कहानी की शुरुआत में हम ज्लटान नाम के एक फुटबॉल प्लेयर को देखते हैं। वो एक बहुत बेहतरीन गोल करके अपनी टीम को जितवाता है। वो एक बहुत ही अच्छा फुटबॉल प्लेयर था, इसीलिए वो काफी मशहूर भी था। और जिस भी दिन उसका मैच होता था, उस स्टेडियम में लोगों की भीड़ रहती थी। अब मैच खत्म होने के बाद वहां पर स्पोर्ट्स रिपोर्टर अपनी रिपोर्टिंग करते हुए कहता है कि इस बार ऑल स्टार कप को कौन जीतेगा। और तभी ज्लटान कैमरे के सामने आकर कहता है कि इस बार का कप तो वही अपने घर ले जाएगा। उसकी इस बात से वो रिपोर्टर भी एग्री करता है, क्योंकि ज्लटान का परफॉर्मेंस देखकर तो ऐसा ही लग रहा था। उसके बाद वो रिपोर्टर वहां पर एक यांकोविक नाम के आदमी के पास आता है और उससे पूछता है कि उसे क्या लगता है इस बार का कप कौन ले जाएगा। तो यांकोविक कहता है कि इस बार का कप तो वो खुद अपने घर ले जा रहा है। इस पर वो रिपोर्टर उससे पूछता है कि ये वो कैसे कर पाएगा। तो यांकोविक बताता है कि वो एक साइंटिस्ट है और इसीलिए अगर किसी तरह से वो एक एक्सपेरिमेंट करके सभी फुटबॉल प्लेयर का टैलेंट अपने अंदर ले सके तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। उसकी बातें सुनकर वो रिपोर्टर उसे पागल समझता है। वहां पे कुछ बच्चे ज्लटान से मिलने आए थे और इसी बीच उन बच्चों में से नोटाई नाम की एक लड़की ज्लटान को चैलेंज करती है कि वो उससे बेहतर जगलिंग कर सकती है। लेकिन ज्लटान उससे कहता है कि वो एक बच्चे से मुकाबला नहीं कर सकता। इस पर नोटाई उससे कहती है कि कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा। ये सुनते ही ज्लटान उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और अपना जगलिंग टैलेंट सबको दिखाने लगता है। उसे ऐसा करता देख के बाकी सभी बच्चे बिल्कुल हैरान थे। उसके बाद नोटाई अपनी जगलिंग स्किल दिखाती है, जिसमें वो 3 फुटबॉल का यूज करके सबको हैरान कर देती है। ज्लटान भी उसका टैलेंट देखकर काफी खुश होता है और उनसे कहता है कि तुम में टैलेंट तो बहुत है। और उन चारों से वो और भी काफी बातें करने लगता है। वो बच्चे उसे बताते हैं कि उनकी एक स्टेट लेवल की टीम भी है। ज्लटान उससे कहता है कि उसके अगले मैच की उसके पास 4 टिकट है, जिसे वो उन लोगों को दे सकता है, लेकिन उसके बदले उन्हें प्रॉमिस करना होगा कि वो हमेशा ज्लटान को मॉन्स्टर से बचाएंगे। दरअसल वो चारों बच्चे क्रिएचर कैचर्स थे, जिनका काम लोगों को मॉन्स्टर से बचाना होता है, और इसीलिए ज्लटान ने उनसे खुद को प्रोटेक्ट करने को कहा होता है। वो चारों उसकी बातों को मान लेते हैं, जिसके बाद ज्लटान टिकट लाने के लिए अपने रूम के अंदर जाता है और बाहर वो बच्चे उसका वेट कर रहे थे। वहीं ज्लटान को वो 4 टिकट मिल जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक गिफ्ट बॉक्स पर पड़ती है, जिस पर उसका नाम भी लिखा था। ये देखकर वो काफी एक्साइटेड हो जाता है, जिसके कारण वो मैच के टिकट्स को भूल जाता है। अब जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें उसे एक फुटबॉल मिलता है, जिसे देखकर ज्लटान का सारा मूड खराब हो जाता है, क्योंकि वैसे फुटबॉल तो उसके पास बहुत सारे थे, इसीलिए वो उस फुटबॉल को आम फुटबॉल समझकर फेंक देता है। लेकिन तभी उस फुटबॉल के अंदर से एक ग्रीन कलर का स्लग बाहर निकलता है। उसे देखकर वो उसके पास आता है, मगर वो स्लग बार बार ज्लटान पर अटैक कर रहा था, जिससे वो शोर करने लगता है। तो उसकी आवाज बाहर उडांग नाम का एक लड़का सुन लेता है। वो जल्दी से भागकर ज्लटान के पास आता है, लेकिन अब उस स्लग ने ज्लटान पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया था, जिसके कारण ज्लटान अब एक मॉन्स्टर में बदल चुका था। हालांकि ज्लटान उन बच्चों को कोई हानि नहीं पहुंचाता, लेकिन अब वो उसी मॉन्स्टर रूप में बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद उडांग ज्लटान के मॉन्स्टर रूप के बारे में पुलिस को बताता है, लेकिन पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। तो वो बच्चे आपस में डिसाइड करते हैं कि वो ज्लटान की मदद करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसे मॉन्स्टर से बचाएंगे। और फिर वो चारों निकल पड़ते हैं ज्लटान को ढूंढने। और तभी हम एक आदमी को देखते हैं, वो वैसा ही एक गिफ्ट बॉक्स बनाता है जैसा कि ज्लटान को मिला था। फिर वो कॉल पर बात करता है कि उसने ही ज्लटान के पास उस मॉन्स्टर स्लग को भेजा था, जिसने ज्लटान को एक मॉन्स्टर बना दिया। इतना कहने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद हम रैपिनो नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि एक ऑल स्टार फुटबॉल प्लेयर होती है। वो अपने घर में अपने डॉगी के साथ खेल रही होती है, लेकिन तभी उसे दरवाजे पर एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा ज्लटान को मिला था। रैपिनो जाकर उस बॉक्स को खोलती है तो उसे भी उसमें फुटबॉल मिलता है। तो वो भी ज्लटान की तरह ही उसे आम फुटबॉल समझकर फेंक देती है, लेकिन तभी उस फुटबॉल में से वो स्लग बाहर निकलता है, जिसे उसका डॉगी देख लेता है और वो स्लग उस डॉग पर अटैक कर देता है। ये देखकर रैपिनो जल्दी से अपने डॉग को उससे छुड़वाती है, लेकिन अब वो स्लग उस पर भी हमला करने लगा था। इधर वो क्रिएचर कैचर्स बच्चे पूरे शहर में ज्लटान को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं मिल नहीं रहा था। पर असल में ज्लटान उनके आसपास ही था और वो उनसे छुपने की कोशिश कर रहा था। अब नोटाई अपने पाउच से एक गैस को रिलीज करती है, जिससे ज्लटान नॉर्मल हो जाता है। और तभी उडांग को रैपिनो कॉल करके उस स्लग के बारे में बताती है, जिसके बाद वो चारों रैपिनो की जान बचाने के लिए उसके घर की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं ज्लटान को ये पता चल गया था कि उसकी ऐसी हालत उस स्लग की वजह से हुई है, और अब वो ये पता करना चाहता था कि उसे वो गिफ्ट किसने भेजी थी। इसीलिए वो स्टेडियम में कॉल करने के लिए एक शॉप में आता है, लेकिन तभी अचानक से एक बार फिर से ज्लटान उस मॉन्स्टर के रूप में बदलने लगता है।
अब वो चारों बच्चे रैपिनो के घर पर पहुंच चुके थे, जहां रैपिनो उन्हें पहचान नहीं पाती क्योंकि उसे लगता नहीं कि ये बच्चे क्रिएचर कैचर्स हो सकते हैं। पर ओडांग उसे बताता है कि वही क्रिएचर कैचर्स हैं और वो उस स्लग को पकड़ सकते हैं। लेकिन तभी वहां पर वो स्लग आ जाता है और रैपिनो को अपने कंट्रोल में ले लेता है और अब वो भी एक मॉन्स्टर में बदल चुकी थी, जिसके बाद रैपिनो उन क्रिएचर कैचर्स पर अटैक करके वहां से भाग जाती है। इधर यांकोविक पब्लिक के लिए एक स्पेशल म्यूजियम ओपन करता है और वहीं उधर वो बच्चे रैपिनो को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रैपिनो उन सब पर भारी पड़ने लगती है। पर तभी नॉटाई वो स्पेशल गैस रिलीज करती है, जिसकी वजह से रैपिनो वापस से एक नॉर्मल इंसान बन जाती है और उसके बाद वो रैपिनो के अंदर से उस स्लग को निकाल कर मार देते हैं। इधर जिलाटान उस जगह पर पहुंचता है जहां से उसे वो गिफ्ट बॉक्स मिला था और तभी वहां पर यांकोविक आता है, तो जिलाटान समझ जाता है कि इन सब के पीछे वही है। तो वो उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। इस पर यांकोविक उसे बताता है कि उसने एक ऐसे केमिकल को बनाया है जिससे वो किसी भी प्लेयर का टैलेंट चुरा कर अपने अंदर डाल सकता है और इसके बाद वो ऑल स्टार का नया स्टार बन जाएगा। ये सुनकर जिलाटान गुस्सा होकर उस पर अटैक करता है, लेकिन अभी तक यांकोविक ने बहुत सारे प्लेयर्स का टैलेंट चुरा लिया था, इसीलिए वो जिलाटान को आसानी से हरा देता है और वो उसे एक चेन से बांध देता है और इसके बाद वो उसका टैलेंट चुराने के लिए उसके अंदर से उस स्लग को बाहर निकालने लगता है। पर वो देखता है कि उसका स्लग जिलाटान की चोटी से कनेक्ट हो गया था और अब वो इंसानों की तरह बात भी कर रहा था। अब वो अपने कैची से जिलाटान की चोटी काटने की कोशिश करता है ताकि वो किसी तरह उसके टैलेंट को अपने अंदर ले सके, मगर वो चोटी अपने आप को इतनी आसानी से काटने नहीं देती। पर किसी तरह एक मशीन की मदद से उसकी चोटी को वो काट देता है। अब जैसे ही जिलाटान की चोटी कटती है तो वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अब उसका सारा टैलेंट उस चोटी के पास था, जिसके कारण वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ये देखकर यांकोविक बहुत खुश होता है, लेकिन तभी वो चोटी उसके हाथ से छूट जाती है और वो वहां पर मस्ती करने लगती है और वहां पर रखे फुटबॉल की मदद से वो यांकोविक को सताने लगता है, जिससे यांकोविक परेशान हो जाता है। लेकिन अब जिलाटान अपना टैलेंट वापस लेना चाहता था, इसीलिए वो स्लग को पकड़ने की कोशिश करता है पर उसमें वो कामयाब नहीं रहता। मगर तभी यांकोविक उस चोटी को पकड़ लेता है और उसे अपने सर पर लगाता है, जिससे वो भी एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। लेकिन अब उसके पास जिलाटान का टैलेंट आ गया था, इसीलिए वो ऑल स्टार कप जीतने के लिए वहां से निकल जाता है, जिसके बाद जिलाटान दुखी होकर बैठ जाता है। लेकिन तभी उसके पास ओडांग और उसकी फ्रेंड आती है जो उसे मोटिवेट करते हैं, जिससे अब जिलाटान के अंदर एक नई एनर्जी आती है। लेकिन अब भी उसके पास टैलेंट नहीं था, तो ओडांग और उसकी फ्रेंड उसे ट्रेन करते हैं। वो दोनों उसके साथ तब तक प्रैक्टिस करते हैं जब तक कि वो पहले जैसा जिलाटान नहीं बन जाता, और अब उनके साथ रैपिनो और बाकी के बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। लेकिन अब ऑल स्टार कप में इनके सामने यांकोविक होता है, जिसने सभी फुटबॉल प्लेयर का थोड़ा थोड़ा टैलेंट चुरा कर अपने अंदर डाल लिया था। अब यहाँ पर यांकोविक उनसे कहता है कि अगर वो ये मैच जीत गया तो जिलाटान और उसकी पूरी टीम को अपना टैलेंट उसे देना होगा। इस पर जिलाटान उससे कहता है कि अगर वो जीता तो अब तक उसने जितने भी लोगों का टैलेंट चुराया है उसे वापस करना होगा। और इसके बाद यांकोविक अपने स्लग की टीम बनाता है और अब मैच स्टार्ट हो जाती है। शुरू से ही यांकोविक चुराए हुए टैलेंट से जिलाटान की टीम पर भारी पड़ता है, पर तभी जिलाटान अपनी टीम के लिए एक शानदार गोल करता है। लेकिन इसके बाद यांकोविक लगातार गोल पे गोल करने लगता है, पर तभी जिलाटान की टीम एक अच्छा कमबैक करती है और जिलाटान एक फाइनल गोल करके अपनी टीम को शानदार जीत दिलाता है, जिसके बाद उसकी चोटी यांकोविक के सर से निकल जाती है और वो वहां पर एक बड़े से मॉन्स्टर का रूप ले लेती है, जिसके बाद वो सारे स्लग्स को मार देता है। तभी उस मॉन्स्टर के सामने यांकोविक आता है, तो वो उसे भी निगल लेता है। और इसके बाद वो मॉन्स्टर क्रिएचर कैचर्स को खाना चाहती थी, पर इस बार उसके सामने जिलाटान आकर कहता है कि इन्हें मारने से पहले उसे मारना होगा। इस पर वो चोटी मॉन्स्टर उससे कहता है कि मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ, मुझे तो तुमने ही जिंदगी दी है। इसके बाद वो जिलाटान को लालच देते हुए कहता है कि अगर अब तुमने मुझे अपने सर पर लगाया तो तुम्हारे अंदर बहुत सारे फुटबॉलर्स का टैलेंट आ जाएगा। लेकिन जिलाटान उसे मना करते हुए कहता है कि उसके टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता क्योंकि वो सबसे बेस्ट है। ये सुनकर वो चोटी मॉन्स्टर गुस्से में जिलाटान को निगल लेता है, पर वो बच्चे उसका सामना करते हुए उसका ध्यान अपनी ओर कर लेते हैं, जिसके बाद जिलाटान उस चोटी मॉन्स्टर का पेट फाड़कर बाहर आता है और उसके साथ ही यांकोविक भी बाहर आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिलाटान ने जैसा कहा था उसने वैसा ही किया, यानी कि ऑल स्टार कप को वो घर ले आया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।